हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बिग बॉस ऑलरेडी सीजन 2 इंटरेस्टिंग तरीके से आगे बढ़ रहा है। 4 कंटेस्टेंट घर से बाहर जा चुके हैं, घर में अभी 9 कंटेस्टेंट है। 6 हफ्ते का ये पूरा शो है, तीसरा हफ्ता ऑलमोस्ट खत्म होने को है और अब वैसे में घर में हुआ है रैंकिंग वाला टास्क। जी हाँ, इस रैंकिंग टास्क में घर वालों को बताना है आपसी सहमति से कि कौन कौन से नंबर पर है, कौन कितना आगे चल रहा है और कौन उनके अकॉर्डिंग है सबसे पीछे। तो चलिए गाइज, आपको ये तमाम रैंकिंग के बारे में बताने के लिए मैं हाजिर हो चुकी हूँ। आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ना, डोंट वेस्ट योर टाइम, फटाफट से मेरे चैनल से जुड़ जाइए। गॉसिप टाउन के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। आपको बता देती हूँ रैंकिंग, घर में मौजूद जो कंटेस्टेंट है उनके अकॉर्डिंग वाली जो रैंकिंग है वो आ चुकी है सामने। और शुरू करते हैं सबसे 9th पोजीशन से। जी हाँ, सबसे नीचे कौन है, सबसे कम किसे मिले हैं वोट्स, बताना चाहती हूँ कि 9th पोजीशन पर है जैद। जैद जैद, जी हाँ, याद आए ना अपने जैद मिया भाई। किसिंग मिसिंग का लफड़ा और पैंट उतारती, ये तमाम चीजों की वजह से घर वाले हैं उनसे काफी खफा और उन्हें रैंक दी है 9th। वही 8th पर है साइरस बरोचा, 7th नंबर पर है बेबी का, बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं है। वही अगर 6th की बात करूं तो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है क्योंकि मनीषा रानी को घर वालों ने आपसी सहमति से 6th पोजीशन पर रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा वो घर में एंटरटेनमेंट कर रही हैं और अभी जो जो लोग नॉमिनेटेड है जनता ने वोटिंग ट्रेंड्स में उन्हें नंबर 1 पर रखा हुआ है। वही 5वें पायदान पर अविनाश को रैंक दी गई है, 4th रैंकिंग है जिया शंकर की और 3rd पर फलक नाज। जी हाँ, वही पूजा भट्ट है नंबर 2 पर और नंबर 1 पर है सबके फेवरेट सबके दुलारे अभिषेक मल्हान, यानी कि फुकड़ा इंसान। तो गाइज, आप लोग हैं इस रैंकिंग से कितना ज्यादा सहमत, मुझे कमेंट करके बताइए। आप लोगों के कमेंट्स भी मैं जरूर लेती हूँ अपने वीडियोस में। तो प्लीज गाइज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बाय बाय एंड टेक केयर।